नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार में बढ़ते हुए ठंड के बारे में। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। सोमवार को राज्य के लगभग सभी जिलों में कोहरे और धुंध का कहर लोगों को देखने को मिला। सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर भी नहीं रही। कोहरे और धुंध के साथ साथ शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। तेज बर्फीली हवा चलने और कनकनी के कारण लोग किसी भी तरह ठंड से बचने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में तापमान में 1 डिग्री से भी अधिक की गिरावट आई है। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है, जबकि पटना, आरा, बक्सर समेत अन्य इलाकों में भी लोगों को ठंड से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर की सुबह तक ठंड का कहर जारी रहेगा और आगे तापमान में अगर और भी गिरावट होती है तो रेड अलर्ट जारी हो सकता है। लगातार ठंड में हो रही वृद्धि से गरीबों के लिए यह मुश्किलें और भी बढ़ गई है। वहीं बुजुर्गों और बीमारों के लिए यह सबसे ज्यादा कठिन समय है। पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1-2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने के बाद फिर से उत्तर पश्चिम बर्फीली हवा का सूबे में प्रवेश होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से उत्तर बिहार में शीतलहर जारी है। तेज बर्फबारी हवा चलने से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे नीचे चला गया है। न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्ष 2004 से 2020 के दौरान 17 वर्षों में दूसरी बार न्यूनतम तापमान सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सबसे पहले 2015 में न्यूनतम तापमान सबसे नीचे यानी कि 4.8 डिग्री पर पहुंच गया था। इसके बाद दूसरी बार यानी कि साल 2020 में न्यूनतम तापमान सबसे नीचे यानी कि 6.9 डिग्री पर पहुंच गया। लगातार तापमान में गिरावट की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासतौर पर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं से लोगों को बुरा हाल है। शीतलहर की बात करें तो राज्य में 26 जिले इसकी चपेट में हैं। शनिवार को गया में अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली तो वहीं पटना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। कड़ाके की ठंड तथा हवा की चुभन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिले शीतलहर की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम में आए बदलाव को लेकर सतर्कता के लिए जारी किया गया है, जो रेड अलर्ट की खतरनाक स्थिति से पहले की स्थिति है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।